हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड आल्सो वी डिस्कस द फर्स्ट केस दैट इज प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। यू कैन से दैट यू थ्रो ए बॉडी फ्रॉम सम हाइट पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। बट टुडे स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस विद यू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। इट मीन्स if you projected a projectile with making some angle theta with the with horizontal, then what is the motion of that projectile? So we will study in this video students. So projectile given angular projection, so consider ox a horizontal line. So let's say this is students horizontal line, this is ox is horizontal line on ground, and OY is vertical line. So let's say this is a vertical line. Let this is vertical line OY. OY is vertical line and OX is horizontal line. Suppose an object be projected from the point O with velocity U. तो मान लेते हैं कि O point से आप क्या करते हो, किसी object को throw करते हो, making angle theta with velocity U. विद इनिशियल वेलोसिटी यू, तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा यू, और कितने एंगल पे किसी बॉडी को थ्रो करते हो मैं हॉरिजॉन्टल के साथ बेटा थीटा एंगल पे आप प्रोजेक्ट करते हो। तो सपोज एन ऑब्जेक्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ओ विद वेलोसिटी यू मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज ओ एक्स। तो ओ एक्स के साथ यू का एंगल कितना बेटा थीटा है। ओके तो लेट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा बेटा, तो बॉडी क्या करेगी या जो भी आपने प्रोजेक्टाइल फेंका है, तो लाइक दिस वन वो मोशन ऐसे करेगा और देन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऐसे गिर जाएगा। ओके तो लेट्स से दिस इज दिस फाइनल पोजिशन एंड दिस इज द मैक्सिमम हाइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। ओके लेट दिस इज एट पॉइंट ए। फ्रेंड्स यू प्रोजेक्ट द प्रोजेक्टाइल विद इनिशियल वेलोसिटी यू मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। लीजिए आपने क्या किया भाई, इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ बॉडी को थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे बेटा थीटा एंगल के साथ, तो ये केस हम पढ़ रहे हैं। और अब की बार आप क्या कर रहे हो, बॉडी को मान लीजिए ग्राउंड से फेंक रहे हो कुछ एंगल के साथ, बट पिछले वाले केस में हमने क्या किया था, बॉडी को बेटा कुछ हाइट पे जाके पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल थ्रो किया था, बट यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को भाई कोई एंगुलर प्रोजेक्शन दिया है, कुछ एंगल के साथ हमने प्रोजेक्ट किया है, तो वो केस आई आपका। तो बेटा जो ये इनिशियल वेलोसिटी है यू, इसको हम रिजोल्व करते हैं टू कंपोनेंट में, क्योंकि यू का इस लाइन के साथ एंगल है, तो यहाँ पे मान लेते हैं बेटा यू कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बन जाएगा बेटा यू साइन थीटा। तो यू कोस थीटा फर्स्ट कंपोनेंट है बेटा, यू साइन थीटा इसका सेकंड कंपोनेंट है। तो यू कोस थीटा किस कौन सा कंपोनेंट है बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और यू साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट है। तो यू कोस थीटा क्या बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं यू कोस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बेटा, हॉरिजॉन्टल, और यू साइन थीटा बेटा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कौन है बेटा, यू साइन थीटा, और यू कोस थीटा कौन सा बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके ये बात आपने याद रखनी है। तो दीज टू कंपोनेंट वेलोसिटी एक्ट एट राइट एंगल टू इच अदर। दोनों कंपोनेंट क्या बेटा, देख लीजिए यू साइन थीटा और यू कोस थीटा जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, बोथ आर राइट एंगल टू इच अदर। तो दोनों के दोनों बेटा राइट एंगल टू इच अदर है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू कोस थीटा इज यूनिफॉर्म। तो बेटा मैंने बताया था, देख लीजिए जो ये यू कोस थीटा है, यू कोस थीटा जो कंपोनेंट है इट इज यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म है, ये चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, ठीक है। यू कोस थीटा रिमेंस कॉन्स्टेंट, इट इज यूनिफॉर्म बिकॉज देर इज नो एक्सेलरेटिंग फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा कोई एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं है, इसलिए यू कोस थीटा बेटा कॉन्स्टेंट रहेगा, यू कोस थीटा चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, बट बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो यू कोस जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है यू साइन थीटा, ये चेंज हो रहा है बेटा क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है और ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है ना, तो यू साइन थीटा डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, और एट पॉइंट दिस वन यू साइन थीटा क्या बन जाता है बेटा, जीरो, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है, इसके बाद बॉडी क्या आएगी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आएगी। ओके तो यहाँ पे यू साइन थीटा जीरो बन जाता है, ये बात याद रखना भाई। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो बॉडी है बॉडी हॉरिजॉन्टल में, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करती है यू साइन थीटा यू कोस थीटा की वजह से, और वर्टिकल में बॉडी जो जाती है वो किसकी वजह से जाती है बेटा, यू साइन थीटा की वजह से जाती है, ठीक है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज यू साइन थीटा, इट डिक्रीजेज कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके बेटा,
नो एट ए सर्टेन पॉइंट से एट एच, लीजिए इस पॉइंट की बात कर लेते हैं बेटा, दिस कंपोनेंट वेलोसिटी यानी कि यू साइन थीटा बिकम जीरो, ये जीरो बन जाता है। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट मूव्स विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विद वेलोसिटी यू साइन कॉस थीटा एंड कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है बेटा, यू कॉस थीटा ही है बस, यू साइन थीटा यहाँ पे जीरो हो जाता है। बट यहाँ पे आते हुए वोल्टेज जब नीचे आ रही है अब यू साइन थीटा इंक्रीज करना शुरू कर देता है, ठीक है बेटा। तो ये आपने याद रखना है बेटा। और बॉडी फाइनली कहाँ पे स्ट्राइक करती है, एट पॉइंट ओ बी, बी पॉइंट पे फाइनली बॉडी स्ट्राइक करती है। हेयर ए एच इज रेफर टू एज मैक्सिमाइट, यानी कि ए एच, ए से लेके एच तक, ये क्या बेटा मैक्सिमाइट, यहाँ पे एच लिख लेते हैं, दिस इज मैक्सिमाइट, ओके मैक्सिमाइट हो जाएगी। और ओ से लेके बी तक क्या बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या है बेटा ये, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी भाई, ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज दैट इज ओ बी, ठीक है बेटा। अब देखिए मान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल किसी टाइम, मान लीजिए इस पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे पहुंच गया आपका, इस पॉइंट पे मान लीजिए कोऑर्डिनेट क्या बेटा एक्स एंड वाई, ओके कौन से कोऑर्डिनेट है बेटा एक्स एंड वाई मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स हैं। सपोज एट एनी टाइम टी ऑब्जेक्ट रीचेज एट पॉइंट पी, ओके इसका मतलब क्या बेटा हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितनी कवर की उसने यहाँ से एक्स, और वर्टिकल में कितनी डिस्टेंस कवर किया बेटा उसने स्मॉल वाई, ये मतलब है इसका, ठीक है। पी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट नोट किए हैं हमने। अब हम बात करेंगे बेटा सबसे पहले प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे कि उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। तो दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को कंसीडर करके चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी है बेटा दैट इज ओ एक्स, उसके अलोंग बात करते हैं, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज ओ एक्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मोशन की बात करते हैं बेटा तो हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन यूज कर लेते हैं भाई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप बात किसकी कर रहे हो बेटा, आप बात कर रहे हो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पी पॉइंट पर कितनी डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, दैट इज एक्स, तो यहाँ पे पुट करेंगे बेटा एक्स। अच्छा ओके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है बेटा यू कॉस थीटा, कितनी है बेटा यू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगी आपका यू कॉस थीटा। और बेटा टी पी पॉइंट तक बॉडी को पहुँचने के लिए कितना टाइम लेना पड़ेगा दैट इज स्मॉल टी, तो यहाँ से टी स्मॉल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा एक्स बाई यू कॉस थीटा, बिल्कुल सेम स्टेप है बेटा प्रीवियस टॉपिक्स के। यहाँ से आप क्या किसकी वैल्यू निकाल लेते हो बेटा टी की वैल्यू निकाल लेते हो। अब हम क्या करेंगे मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, तो इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन पढ़ते हैं बेटा तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्वेश्चन लगाना एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा देखा जाए यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा टी की वैल्यू कितनी आपकी एक्स बटे या एक्स बाई यू कॉस थीटा, एक्स बाई यू कॉस थीटा मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, तो एस इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी ने पी पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस कवर किया बेटा देख लीजिए दैट इज वाई, कितनी है बेटा ये वाई आपकी, तो यहाँ पे आप पुट कर लेंगे बेटा वाई दिस इज वाई, ओके वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना बेटा यू साइन थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में यू साइन थीटा है और हॉरिजॉन्टल में बेटा यू कॉस थीटा था, तो यहाँ पे यू साइन थीटा टाइम कितना लिया मान लीजिए टी प्लस वन बाई टू, देखो बोटा जो बॉडी है ना वो ऊपर की तरफ जा रही है और ग्रेविटी नीचे की तरफ है बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा माइनस जी और यहाँ पे चला जाएगा बेटा टी स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी की वैल्यू पुट करेंगे ये रहा बेटा एक्स बाई यू कॉस थीटा पुट कर लीजिए एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, इसका मतलब आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ये आ जाएगा ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी। अच्छा बताना यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस यू से यू कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बेटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज टेंजेंट थीटा, कितना आ जाएगा बेटा वो टेंजेंट थीटा आ जाएगा, तो
इक्वेशन बिकम्स वाई इज इक्वल टू यू से यू कैंसिल हो जाएगा बेटा, एक्स बाई टेंजेंट थीटा, एक्स बाई टेंजेंट थीटा, ओके यहाँ बन जाएगा बेटा एक्स बाई टेंजेंट थीटा माइनस वन बाई टू, ये रहा बेटा माइनस वन बाई टू भी यहीं पे है, और साथ में जी का पैरामीटर ऊपर पड़ा है, जी पैरामीटर नीचे ऊपर है, और बेटा यू स्केयर कोस स्केयर थीटा नीचे है, यू स्केयर कोस स्केयर थीटा नीचे है साथ में, और बेटा साथ पीछे चल रहा है एक्स स्केयर, क्या है एक्स स्केयर। तो बेटा जी कॉन्स्टेंट है, यू कॉन्स्टेंट है, कोस को थीटा भी कॉन्स्टेंट रहेगा, सभी को कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, तो वाई इज इक्वल टू एक्स बाई टेंजेंट थीटा माइनस के एक्स स्केयर, ओके इसको ये ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। तो बेटा दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कौन सी इक्वेशन है बेटा, ये पैराबोलिक इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हैंस पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम ग्राउंड इज पैराबोलिक पाथ। बेटा ट्रैजेक्टरी क्या आ जाएगी इसकी, पैराबोलिक आ जाएगी, जो कि प्रीवियस केस के अंदर आई है, ट्रैजेक्टरी कितनी आ जाएगी बेटा पैराबोलिक, जो प्रीवियस केस में आई है। अब देखिए वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे बेटा कुछ टर्म्स इसके अंदर जो हमने पढ़नी है, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में कुछ टर्म्स निकाली थी, इसमें भी कुछ टर्म्स की स्टडी करनी है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या करते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा डेफिनेशन मैंने प्रीवियस उसमें दी थी, इट इज़ द टोटल टाइम टेकन बाई प्रोजेक्टाइल इन इट्स फ्लाइट, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या भाई, टोटल टाइम है टोटल फ्लाइट का, ठीक है। तो देखो उसने बॉडी ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया बेटा, ओ पॉइंट से, और वो कहाँ पे आया फाइनली बी पॉइंट तक, इट मीन्स ओ से लेके बी तक पहुँचने में जो भी उसने टोटल टाइम लिया, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इट इज़ द टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। बट यहाँ पे बेटा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, वो टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो टोटल टाइम है जो, टोटल टाइम है, टोटल टाइम इज इक्वल टू, इट इज़ द सम ऑफ टू टाइम, वन इज टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट एंड अनदर इज टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। देख लीजिए टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, असेंट और डिसेंट मतलब बॉडी ऊपर गई और नीचे गई, इन दोनों का टाइम को ऐड करेंगे तब जाकर टोटल टाइम हो गया। तो देखो बेटा बॉडी यहाँ पे देखें, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ तक बॉडी का जो टाइम है बेटा उसे बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, ऊपर चढ़ने का टाइम, और ये क्या बेटा नीचे जा रही है बॉडी, तो दिस इज टाइम ऑफ डिसेंट। तो स्मॉल है, सिमेट्रिकल है ये इक्वेशन, तो यहाँ पे स्मॉल टाइम इस तरफ टी और इस तरफ टी है, तो इसका मतलब कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो टू टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, तो स्मॉल टी कितना आ गया बेटा यहाँ से कैपिटल टी बाई टू, इसका मतलब स्मॉल टी निकल जाएगा आपका, स्मॉल टी कितना आ गया बेटा कैपिटल टी बाई टू आ जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है। तो इसका मतलब टोटल टाइम कितना बेटा, टोटल टाइम है कैपिटल टी, ओके वो निकालते हैं। तो इक्वेशन यूज़ करते हैं बेटा, हम यूज़ करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं v प्लस यू प्लस ए टी। बेटा पहले निकाल करते हैं, देखो मान लीजिए टाइम ऑफ असेंट निकालते हो, बेटा ऊपर जा रही है बॉडी, वर्टिकल वर्टिकल मोशन अगर यूज़ करें, वर्टिकल मोशन के यूज़ करें, तो यहाँ तक भी बात करें, यहाँ पर आके बात करें बेटा, तो यहाँ बात करें आप v इजल टू यू प्लस ए टी है, तो वट इज वी, वी इज द फाइनल वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, ए इज द एक्सलरेशन, टी इज द टाइम। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लिया स्मॉल टी, बट इस पॉइंट पर आकर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज यू साइन थीटा। अरे यहाँ पे जाते जाते इस पॉइंट पे वर्टिकल यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो हो जाती है ना फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी तो बेटा जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा यू साइन थीटा, टाइम कितना है स्मॉल टी, टाइम कितना बेटा यहाँ पे स्मॉल टी ले लेते हैं टाइम पीरियड, यू प्लस ए टी है ना, तो यू प्लस बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा माइनस जी, और टाइम कितना बेटा वहाँ तक पहुँचने में वो टाइम आप ले सकते हो स्मॉल, कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, कितना टाइम लिया बेटा वो कैपिटल टी बाई टू, क्योंकि अभी मैंने रिलेशन निकाला बेटा स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई टू, क्योंकि यहाँ तक जाने में हाफ टाइम ये हो जाएगा बेटा और हाफ टाइम नीचे का हो जाएगा, तो इसका मतलब असेंट टाइम प्लस डिसेंट टाइम दैट इज टोटल टाइम। तो अभी तक मैंने यहाँ तक बात की है, तो टाइम कितना आ जाएगा बेटा टी बाई टू आ जाएगा इस पॉइंट तक, तो टी बाई टू आ जाएगा। अब बताना बेटा अब हमने क्या निकालना है, सिंपल वैल्यू तो निकालनी है, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी बताना, हाँ जी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी, एलसीएम ले लीजिए आप यहाँ पे, तो टू यू साइन थीटा
माइनस जी टी दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, टू यू साइन थीटा बाई जी दैट इज इक्वल टू कैपिटल टी, ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड। ओके, तो ये टी क्या कैपिटल टोटल टाइम है बेटा, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट है। लेकिन अगर आपको हाफ टाइम निकालना तो टू से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि अगर आप टी की वैल्यू निकालना चाहते हो स्मॉल टी की, तो वो बेटा वो आ जाएगी आपकी यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है बेटा, तो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म इसके अंदर, दैट इज मैक्सिमम हाइट। क्या बेटा नेक्स्ट टर्म, दैट इज मैक्सिमम हाइट, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस या मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेंड बाई ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। तो ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है भाई बॉडी ने जो कवर किया, ये हॉरिजॉन्टल में है रेंज और ये वर्टिकल में है। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट बेटा। तो लगा लीजिए फॉर्मूला इसके लिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि बॉडी ने मोशन किस में किया, अभी वर्टिकल में किया तो वर्टिकल लगाएंगे। वर्टिकल में देखो बेटा डिस्टेंस कितनी है बॉडी के वर्टिकल में मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड एच। तो यहाँ पर पुट कर लीजिए भाई कैपिटल एच, कैपिटल एच इज इक्वल टू, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल, वर्टिकल में बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू साइन थीटा। ओके, टी यहाँ तक पहुँचने का टाइम कितना बेटा, यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लिया बेटा स्मॉल टी, और यहाँ तक पहुँचने में भी स्मॉल टी, कैपिटल टी टोटल है। तो स्मॉल टू की वैल्यू ये बेटा ये रही देखो मैंने लिखी हुई है यू साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे बेटा यू साइन थीटा बाई जी माइनस वन बाई टू, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी माइनस जी पुट करेंगे, टी स्केयर इट मीन्स यू स्केयर साइंस केयर थीटा बाई कितना जाएगा बेटा यहाँ से जी स्केयर, सारा स्केयर हो जाएगा। तो अब बताना कितना जाएगा बेटा, एच इज इक्वल टू बताना बेटा यू, यू कितना हो जाएगा यू स्केयर साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा साइंस केयर थीटा डिवाइड बाई जी, माइनस जी से बेटा जी कैंसिल हो जाएगा, वन बाई टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई जी। ओके, तो यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई जी माइनस वन बाई टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई जी। तो बेटा ये वन बाई टू और ये वन, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बढ़ जाता है आपका यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई टू जी, दिस इज योर हाइट, हाइट आ गई बेटा ये यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई टू जी, दिस इज द हाइट। और टाइम पीरियड कितना था बेटा टू यू साइन थीटा बाई जी। अब निकालेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में मैक्सिमम जो डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉडी ने दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज क्या बेटा, इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बेटा ओ से लेके बी तक जो भी बॉडी ने डिस्टेंस कवर की है, ओ से लेके बी तक बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया बेटा दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या बेटा, हॉरिजॉन्टल में लगाई है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए वंस अगेन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो या आप अभी निकाला है, हाइट कितनी निकली है बेटा आपकी यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई जी, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई टू जी आपका हाइट निकला है। ओके, रेंज को निकालने के लिए क्या करना, आपने रेंज के लिए क्या है, देखो रेंज एक प्रकार से डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस होती है बेटा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये होता है बेटा डिस्टेंस। अच्छा बेटा हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी थी बताना, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू कोस थीटा, कितनी है बेटा ये यू कोस थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा यू कोस थीटा। और बेटा ओ से लेके बी तक टोटल टाइम कितना बॉडी का दैट इज कैपिटल टी, तो बेटा यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कैपिटल टाइम कितना बेटा, अरे कैपिटल टी कितना है वो है बेटा टू यू साइन थीटा बाई जी, टू यू साइन थीटा बाई जी है बेटा आपका। तो आप यहाँ से सोल्व कर लीजिए, तो ये आ गया बेटा यू स्केयर बाई जी टू साइन थीटा कोस थीटा बेटा दैट इज साइन टू थीटा, तो यू स्केयर साइन टू थीटा बाई जी, दिस इज रेंज, दिस इज योर रेंज, दिस इज रेंज। ओके, अगर आप चाहते हो कि बॉडी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, मैक्सिमम रेंज पे जाए, तो बॉडी को कितने एंगल से थ्रो करोगे, तो फॉर मैक्सिमम रेंज बेटा अगर आर चाहते हो कि मैक्सिमम हो, तो इसका मतलब उसके लिए साइन जो टू थीटा है दैट मस्ट बी इक्वल टू वन, साइन टू थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू वन।
तो बेटा साइन टू थीटा दैट इज इक्वल टू, यहाँ से बात करें मैक्सिमम कब होता है साइन, अरे कब होता है भाई साइन 90 पे होता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब अगर बॉडी को आप थीटा एंगल से थीटा 45 एंगल बढ़ाकर बॉडी को अगर आप थ्रो करते हो तो बॉडी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी या मैक्सिमम रेंज कवर करेगी। तो रेंज मैक्सिमम कितनी आएगी, इस फॉर्मूले से निकालिए बेटा, आर को आर मैक्सिमम पुट करेंगे, आर को आर मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू बेटा यू स्क्वायर बाय जी साइन टू टू, यहाँ पे बेटा 45 रखें तो साइन 91 हो जाएगा। दिस इज मैक्सिमम रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज बेटा, ठीक है। तो दिस इज योर प्रोजेक्टाइल टॉपिक बेटा, गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।